आप तलाश नहीं कर पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आगे चल करके इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम लेकर आते हैं अपने तमाम व्यूवर्स के लिए हर वीक ऐसे टॉप 5 कॉइंस जो आपको डेली की बुनियाद पे अर्निंग दे सके। बहुत ज्यादा दोस्त अक्सर औकात में देखा गया है ये गलती कर लेते हैं कि वो उन कॉइंस से उम्मीद रख लेते हैं डेली अर्निंग की जिनके अंदर पोटेंशियल जरूर होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आपने अगर डेली ट्रेड करनी है तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है क्या उन कॉइंस में पोटेंशियल है भी कि नहीं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से मार्केट की तरफ और आपसे शेयर करूंगा मैं टॉप 5 ऐसे कॉइन जो इंशाल्लाह ताला आपको अब आने वाले हफ्ते में बहुत ही अच्छी अर्निंग देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरूरी समझता हूं कि आपसे मैं तस्करा कर लूं उन कॉइंस का जिनका जिक्र मैंने आपसे पिछले वीक किया था और उसी वीडियो का थंबनेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली जो मैंने आपसे डेली अर्निंग के लिए एक कॉइन शेयर किए थे उनमें टॉप पे था एवेक्स, और जब मैंने आपसे वो वीडियो शेयर की तो वो उस वक्त जो एवेक्स था वो $79 पे मार्केट में अवेलेबल था और पूरा वीक उसने इतनी फ्लक्चुएशन की कि 79 से लेकर 94 तक वो आपको प्रॉफिट देता रहा और उसने तकरीबन 8 से 9 बार इतनी फ्लक्चुएशन की कि आपने डेली की बुनियाद पे $13 से $14 अर्न किए होंगे अगर आपने मेरी वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो किया होगा। ठीक इसी तरह इथेरियम क्लासिक जो कॉइन है वो भी मैंने आपसे शेयर किया था और उसकी जो पूरे वीक जो फ्लक्चुएशन रही वो $29 से $37 तक रही। बहुत ज्यादा दोस्त अक्सर कमेंट्स में लिखते हैं कि सर आप तो हमें तब बताते हैं जब वो वीक गुजर गया होता है, लेकिन आप दोस्तों के लिए ही मैंने आज जरूरी समझा कि नेक्स्ट कॉइन बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पिछले हफ्ते की मेरी वीडियो थी उनकी जो मैंने टाइम और टेन्योर आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने बाइंग की तो आपने फायदा उठाया। तीसरा कॉइन GLMR $6 पे मैंने आपको रिकमेंड किया था और टाइम फ्रेम है इसका मैंने आपको $5 बताया था, फिर भी उसने आपको 6.60 सेंट के करीब जाके 60 सेंट का प्रॉफिट दिया। अभी भी अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है तो आप नुकसान में नहीं है। थर्ड कॉइन मैंने आपको रिकमेंड किया था माना 3.10 सेंट पे और इस वक्त माना आज जाकर लॉस कर रहा है, यानी कि 8 दिनों बाद वो थोड़ा सा डाउनफॉल का शिकार हुआ है। पूरा वीक माना $3.5 से $4.25 के करीब फ्लैक्चुएट करता रहा और करीब 10 से 12 बार उसने फ्लक्चुएशन की, और आपने अगर थोड़ा सा भी जहन लड़ा के $50 से भी अपना सरमाया घुमाया होगा तो आपको फायदा हुआ होगा। उसके बाद कर लेते हैं जिसने सबसे कम टॉप 5 कॉइन में से आपको अर्निंग दी थी, उसका नाम है SOS 5038 में वो मैंने आपको रिकमेंड किया था और बहुत हद तक उसने हाई लगाया 5040 का, यानी कि इसमें आपको भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन पहले टॉप 3 कॉइन में आपने बहुत ज्यादा अर्निंग की। तो दोस्तों आप जल्दी से बढ़ते हैं उन टॉप 5 कॉइन की तरफ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जिनसे अब आपने आने वाले हफ्ते में अर्निंग करनी है, लेकिन काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं क्रिप्टो की मार्केट में डेली की बुनियाद में अर्निंग तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम गुफ्तगू जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये आपके फायदे के लिए है। पहले हम सबसे बात करेंगे एक्सी इन्फिनिटी कॉइन के बारे में। ये जो टॉप 5 कॉइन मैं आपसे शेयर करूंगा ये आने वाले हफ्तों में इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा दे करके जाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द माई टाइम फ्रेम। लो और हाई की बात करें दोस्तों तो 58.45 से 61.45 का इसने फ्लक्चुएशन दी है आपको मार्केट में, यानी कि करीब $3 की। लेकिन अगर हम पास्ट वीक का इसका कंपैरिजन करेंगे जो कि मैं ज़रूरी समझता हूं आपको दिखाने के लिए ताकि आप इसमें जब अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको पता हो कि टाइम फ्रेम क्या बाय करना है। दोस्तों इसने हाई लगाया $72 का, लो है इसका इस वक्त तक का $59, तकरीबन $13 के दरमियान इसने पूरे वीक का, पास्ट की बात कर रहा हूँ, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आने वाले वक्त में। तो दोस्तों इसने $12 से $13 की आपको ट्रेड दी डेली की बुनियाद पर, ध्यान में रखिएगा, और $5 से $6 ये आपको एक दिन में 2 से 3 बार दे करके जा सकता है और आप अर्न कर सकते हैं पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग इजीली 1300-1400 रुपया रोज की बुनियाद पर, क्योंकि मेरी जो आज की वीडियो होती है वो होती ही ऐसे तमाम दोस्तों के लिए है जो अर्न करना चाहते हैं और हालात से तंग हैं और उनके पास इस वक्त अर्निंग का कोई वसीला नहीं है। तो दोस्तों इस टाइम फ्रेम को बाय कीजिएगा जो मैं बताने लगा हूँ कि आपने एक्सी इन्फिनिटी में एंट्री लेनी है $55 से $57 के दरमियान की लिमिट लगाकर, और उसके बाद जैसे ही ये आपको $4 से $5 फ्लक्चुएट होता दिखाई दे आप सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं और ये कॉइन आपको इजीली बाइनांस के ऊपर अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं जल्दी से सेकंड कॉइन की तरफ।
करते हैं सेकंड वन कॉइन की, नाम है इसका सोलाना। 93.95 से लेकर 99.55 सेंट का इसने हाई लगाया है लास्ट 22 से 23 घंटों में। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू माई नेटवर्किंग ये कॉइन इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल है और आपको कभी भी अच्छा प्रॉफिट देता रहता है। मतलब एक दिन के अंदर 2 से 3 टाइम आप अगर इसे वॉच करते हैं, अगर आपके अंदर कमाने की जस्तजू है, तो जिन रखिएगा कि सोलाना से बेस्ट इस वक्त नेक्स्ट वीक के लिए कोई ऐसा कॉइन नहीं जिसमें आप डेली अर्निंग ना कर सकें। और अर्ली ट्रेड भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हाउ मच कॉन्शियस यू आर। तो दोस्तों इस वक्त बात करते हैं कि इसने पिछले वीक में 112 से लेकर 112 दोबारा की ट्रेड की, यानी कि मैं आपको एक मतलब टिप से दिखा देता हूँ, 112 120, फिर ये डाउनफॉल का शिकार, फिर ये 116, और करते करते ये रिसेंट यानी कि 2 दिन पहले ये मुसलसल डाउनफॉल का शिकार हुआ है क्योंकि मार्केट कर गई है क्लैप्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसमें एंट्री कैसे लेनी है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा इसका ऑल टाइम लो है $79। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 79 का ही बाय करें, लेकिन आपने इसमें एंट्री लेनी है $88 या $90 के दरमियान, और उसके बाद ये लाजम फ्लक्चुएट करता है, ध्यान में रखिएगा। और आपको जहां $5 से $6 बचे आपने इसे सेल करके अपनी डेली अर्निंग जो है आप निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लालच करेंगे तो आप स्ट्रक कर जाएंगे, लिहाजा डेली अर्निंग के लिए सुपर वन है ये कॉइन। अब बढ़ते हैं तीसरे कॉइन की तरफ। दोस्तों डेली अर्निंग करने के लिए हमने आने वाले हफ्ते के लिए एक मरतबा फिर से एवेक्स को अपने टॉप 5 में एंटर कर लिया है, क्योंकि ये कॉइन इस वक्त मुसलसल आपको मार्केट में प्रॉफिट दे रहा है। जहां 17,514 कॉइन मार्केट में काम कर रहे हैं, उनमें से चंद एक कॉइन में से इस वक्त ये कॉइन आपके सामने मौजूद है एवेक्स, जिसका रैंक है 11, और ये तीसरा कॉइन है जो तीनों के तीनों बाइनांस के आप बाइनांस पे आपको आसानी से बाय करने को मिल जाएंगे। लो की बात करें तो 79 का लो है, और हाई की बात करें तो 84.72 सेंट का इसने अभी तक हाई लगाया है लास्ट 23 घंटों में। दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही अहम है आपके लिए। इसने रिसेंट वीक जो मैंने आपको रिसेंटली अभी जो खत्म हुआ है हफ्ता, उसमें मैंने ये आपको जब रिकमेंड किया था तो उस वक्त एवेक्स की जो प्राइस हमारे पास शो हो रही थी, मैंने $79 आपको शो किया था, और बाद में हमारी वीडियो के अपलोड होने के बाद ये 75 पे आया। अगर आपने लेट्स सपोज 79 पे भी बाय किया था तो इसने आपको 94 तक का हाई दिया। आई डोंट नो कि आप में से किसी ने अर्निंग की इसमें से, तो आपने की तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आकर अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, जो हमारे लिए बहुत अहम है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में आपने इसमें एंट्री कैसे लेनी है। ऑब्वियसली 81.47 सेंट आपको दिखाई दे रहा है, एंट्री आपने इसमें लेनी है एक मरतबा फिर से $75 में, और अगर आप चाहें तो आप $80 में भी इसे अभी बाय करके इसकी प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, और ये डेली आपको नेक्स्ट आने वाले वीक में इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रॉफिट देकर के जाएगा, और आप डेली की बेस पे इससे अर्निंग कर सकते हैं। सुपर वन प्रोजेक्ट है, वीडियो शॉर्ट बनाना चाहता हूं इसलिए मैं ज्यादा इसमें मजीद आपको इसकी अफादियत नहीं बता सकता। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट वन कॉइन की तरफ। दोस्तों डेली की बुनियाद पर अर्निंग करने के लिए आपके लिए जो फोर्थ वन कॉइन मैंने चूज किया है उसका नाम है एथेरियम। यकीनन इसकी प्राइस देखकर आप जो गए होंगे, लेकिन हमने इसकी पूरी की पूरी अमाउंट के समेत इस पूरे कॉइन को बाय नहीं करना, हमने इसकी फ्लक्चुएशन को कैप्चर कर लेना है, पकड़ लेना है और उसका फायदा लेना है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ज़ेन में रखें कि ये कॉइन जहां पर भी खड़ा हो $300 की फ्लक्चुएशन करता है, जिसकी अपडेट मैं डेली की अपनी जो वीडियो होती है डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की, उसमें मैं आप तमाम दोस्तों को आगाही देता हूं। डेली जब मैं बिटकॉइन के प्राइस एनालिसिस करता हूं तो साथ उसके एथेरियम की भी मैं अपडेट देता हूं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको समझ ना लगे तो उस वीडियो से कनेक्टेड रहिएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो उसका टाइम फ्रेम हमेशा मौजूदा कीमत से $100 नीचे का लगाकर आप इसे बाय करके सिर्फ अपने $100 से, यानी कि लिमिट आपने $100 कम लगानी है और खुद आपने $100 का बाय करना है, आप इजीली $12 से $15 की डेली अर्निंग कर सकते हैं गारंटीड एथेरियम कॉइन में। लेकिन यहां पर आपका कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके प्राइस गिर जाएंगे तो आपका जो $100 है वो लिक्विड हो जाएगा। लिहाजा नेक्स्ट वीक के लिए आपकी डेली अर्निंग के लिए इससे सुपर कॉइन और कोई नहीं हो सकता। अब जल्दी से बढ़ते हैं लास्ट वन कॉइन की तरफ। तो लास्ट में हम बात करने वाले हैं सैंडबॉक्स के बारे में, जो आपको दे सकता है आने वाले हफ्ते में बहुत ही अच्छी प्रॉफिट। आपने इसमें एंट्री लेनी है एक मखसूस टाइम फ्रेम में, यानी कि 3.8
$0.80 में आप इसमें एंट्री लेते रहें और ये आपको 4.20 तक की प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं पास्ट वीक का चार्ट, मैंने टाइम बेस किए बिना ही पहले से ओपन कर रखा है। इसने पिछले हफ्ते 4.52 से लेके 4.80 तक का हाई लगाया करीब 3 बार। आप देख सकते हैं, चार्ट को फॉलो भी कर सकते हैं, खुद अपने मोबाइल पर ओपन भी कर सकते हैं। 1, 2, 3 और उसके बाद ये मुसलसल 4.75 तक भी काफ़ी दफ़ा मार्केट में डाउनफॉल होकर आपको प्रॉफिट देता रहा। तो लिहाजा दोस्तों अब बात करते हैं, फिर से वही सवाल पैदा होता है कि क्या ये नेक्स्ट वीक आपको प्रॉफिट देगा। इंशाल्लाह ज़रूर देगा और आपने इसको 3.80 की लिमिट लगाकर बाय करना है। आप लगाकर सो जाएं, खुद ही आपका जो सिस्टम है, एप्लीकेशन है, इसे बाय कर लेगी और आप डेली की बुनियाद में इस कॉइन के अंदर भी $100 अगर लगाते हैं बिलफर्ज या मिनिमम $50, तो आप डेली की बुनियाद पर $8 से $10 अर्न कर सकते हैं और डेली अर्निंग करके आप अपनी जो भी आपकी रोज़मर्रा की मुश्किलात हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मार्केट को फॉलो करने के बाद किसी किस्म की भी कोई आपको प्रॉब्लम दरपेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हर डिटेल आपको डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की वीडियो में साथ साथ अपडेट के तौर पे मिलती जाएगी। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।